हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, रिविजन की 16 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस, हमने अपना पॉलिटी का कोर्स शुरू किया हुआ है। इफ यू वांट टू जॉइन द कोर्स ऑफ पॉलिटी, वी विल कवर द होल लक्ष्मीकांत विद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट mittalvaishali94। आई विल टेल यू द होल डिटेल हाउ यू कैन ज्वाइन द दिस कोर्स। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये जो हमारी न्यूज है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर GS2। अभी क्या हो रहा है, इस एक्ट को, जो ये बिल है, इसको चेंज करने की बात की जा रही है, अमेंड करने की बात की जा रही है। ये जो अमेंडमेंट हुआ था, ये 1991 में आया था ये एक्ट, इसको अमेंड करने की बात की जा रही है। क्यों करने की बात हो रही है, क्योंकि एक केस चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। तो इस केस के चलते हुए इस एक्ट को अमेंड करने की बात चल रही है। अब ये जो बिल आ रहा है वो क्या चाहता है, अगर हम इसको 2018 की जजमेंट से कंपेयर करें तो अभी चाहता क्या है। देखो, 2021 में अगर वो हम अमेंड करेंगे तो इसमें जो गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, देखो इसमें ये बोला है कि जो टर्म गवर्नमेंट है, इन ओनली लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखो गाइस, आप सबको पता है जैसे हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, फाइन। उस लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि जो हेड होता है उस स्टेट का, वो मेनली कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती है, यूनियन टेरिटरीज में जो हेड होता है वो कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेकिन आपको ये भी पता है दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी में वो जो यूनियन टेरिटरीज है उनको हमने लेजिस्लेचर असेंबली दे रखी है, फाइन। तो इसमें ये बोला है कि जो किसी यूनियन टेरिटरीज में का जो गवर्नमेंट है बाय लॉ, इसका मतलब जो उसका हेड है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये बोला है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे जो चीफ मिनिस्टर होता है या फिर जो सॉरी गवर्नर होता है, जो गवर्नर होता है वो किस पे काम करता है, वो बाउंड होता है बाय एड एंड एडवाइस ऑफ ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल द मैटर्स जो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में नहीं होता। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव है कोई एक्शन लेगी तो उनको पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को ओपिनियन लेने होंगे, ऐसा अमेंडमेंट में 2021 बोलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो 2018 में आई थी, उन्होंने बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं है अगर उन्होंने पुलिस, पब्लिक ऑर्डर या लैंड से रिलेटेड। इसके अलावा उन्होंने बोला था क्योंकि ये स्टेट नहीं है और यहाँ पे कोई गवर्नर नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्टेटस गवर्नर के इक्वल नहीं होता, इसलिए और वो एक तरह का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। मेरी बात गाइस आप समझो, देखो गाइस स्टेट्स में आपको पता है, देखो दो तरह के हेड होते हैं, एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल होता है, नॉमिनल हेड होता है, ठीक है। अगर आप सेंटर में देखो तो रियल हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट। उसी तरह अगर स्टेट लेवल पे देखो तो रियल हेड कौन होते हैं, सीएम होता है, और नॉमिनल हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। यूनियन टेरिटरीज आपको पता है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट बाय प्रेसिडेंट होता है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अब जम्मू कश्मीर की भी हो गई है, दिल्ली की, पुडुचेरी की, विद लेजिस्लेटर असेंबली, उनमें क्या है, उनमें वो है, तो उनमें क्या है, सीएम भी है, और लेकिन उनमें जो नॉमिनल हेड है वो गवर्नर की जगह क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, फाइन। तो इसमें यही बताया गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका स्टेटस गवर्नर की तरह नहीं है, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है ओनली, ठीक है, और इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन की जरूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है, फाइन। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया। अदर प्रोविजंस क्या है इस बिल के, इन्होंने बोला है जो लेफ्टिनेंट की पावर होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर, कि क्या वो किसी बिल को, मतलब किसी बिल के असेंट को होल्ड कर सकता है जिसमें ऐसे कुछ मैटर्स कवर्स हो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर से अलग हो, फाइन। इसके अलावा असेंबली ऐसे कोई रूल नहीं बना सकती अपने आप, या कोई ऐसी कमिटी नहीं बना सकती कि अगर उनको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखने के लिए, मतलब कि सिंपल बात यह है कि जो दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने आप से कोई कमेटी बनाए या अपने आप से कुछ भी रूल बनाए जिसमें वो दिल्ली के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर को डील कर सके, ठीक है, या इंक्वायरी को कंडक्ट कर सके इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, फाइन। करंटली दिल्ली का क्या स्टेटस है, आप सबको पता है दिल्ली यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर के साथ है अंडर आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एनसीटी एक्ट आया था 1991 में बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट, ये हमने आज ही पढ़ा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर को रेफर कर सकता है प्रेसिडेंट को अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, मतलब कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगर लाइक सीएम और गवर्नर के बीच में कोई, मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट ना हो, डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होती है कि वो उस मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। इसके अलावा दिल्ली की जो असेंबली है उसके पास कुछ लॉज बनाने की पावर है
इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंड लैंड। फाइन, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। जुबल ने जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखो ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी आइदर इन GS1 और GS2। अभी देखो क्या बात की जा रही है, देखो ये जो 2015 में इस एक्ट आया था इसको अमेंड करने की बात हुई है। ये जो एक्ट आया है वो किसके अकॉर्डिंग है, मतलब कि जो इसके प्रोविजंस है, इसके प्रोविजंस ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे UN कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, UN रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बेजिंग रूल्स एंड हेग कन्वेंशन 1998। इन तीन प्रोविजन जो ये तीन मतलब की इंटरनेशनल लॉज है अकॉर्डिंग टू डेट क्लास इसके प्रोविजन ऐसे ही है। अमेंडमेंट्स की बात करें इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने शिल्पा मित्तल केस 2020 में कुछ जो केस में अपना जजमेंट दिया तो उसके जजमेंट को अकाउंट में लेंगे। जिन्होंने होल्ड किया है कि मिनिमम जो सेंटेंस होनी चाहिए विच हेल्ड दैट क्राइम्स फॉर मिनिमम विच द मिनिमम सेंटेंस इज लेस देन 7 ईयर विल बी कैटेगराइज एज सी नहीं। देखो एक अगर आप कोई भी जुर्म करते हो तो आपको सजा मिलती है, अगर आपको किसी सजा में 7 साल की कम की ऑफेंस मिल रहा है तो उन ऑफेंसेस को सीरियस ऑफेंसेस कंसीडर किया जाएगा। करंटली एक्ट क्या करता है, तीन कैटेगरीज को करता है, मतलब तीन तरह से ऑफेंसेस माने जाते हैं, या तो पैटी, सीरियस या हीनियस। ठीक है, इसने क्या किया हुआ है, चिल्ड्रन की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया हुआ है इन नीड ऑफ केयर, मतलब कि जिन बच्चों को केयर की जरूरत है उनकी जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया। और इनमें क्या किया हुआ है, जो बच्चे ट्रैफिकिंग के अब्यूज है, ड्रग अब्यूज के पीड़ित है, या फिर जिन बच्चों को उनके गार्डियंस ने उनके पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है उन विक्टिम्स को भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है और उनकी प्रोटेक्शन को इंक्लूड किया है। इसके अलावा इन्होंने किस तरह से मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज, जो डिसाइड करती हैं कि चिल्ड्रंस को डिसाइड करने की कौन से चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन कमिटी के मेंबर्स को जो अपॉइंट करेंगे उनके लिए एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स को भी डिफाइन किया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको एम्पावर किया है, वो उनको हेड बनाए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के, जो क्या करेंगे हर एक मतलब कि पीपल की जो बैकग्राउंड चेक करेंगे कि किस तरह से बच्चों के लिए शेल्टर होम सेटअप किया जाए। इसके अलावा जो डीएम और एडिशनल डीएम है वो क्या कर सकते हैं, अडॉप्शन ऑर्डर्स को इश्यू कर सकते हैं सो दैट केसेस को स्पीडी वे में डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट इवेल्यूएट फंक्शनिंग होगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स का और रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स का। इसके अलावा और क्या बिल्स हैं जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019। बिल डिक्लेयर करता है कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस के। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ये कुर्ली हरियाणा में है, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये कहाँ पे है, टेक्नोलॉजी ये तमिलनाडु के तंजावुर में। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम इन इंस्टीट्यूट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं न्यू कोर्सेज, हम क्या कर सकते हैं रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स बना सकें इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन इंस्टीट्यूट्स में कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट की सो दैट स्पेशल बेनिफिट्स हम वहां तक पहुंचा सकें जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं, तो हम सो दैट वी कैन अंडरटेक स्पेशल आउटरीच एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ कंसर्न स्टेक होल्डर। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन से बिल्स हैं जिसको हमने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एक है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। बिल का एम क्या है, सो दैट हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड करें। और हम क्या चाहते हैं, जो FDI, देखो हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि इंश्योरेंस कंपनीज में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ओनली 49% तक अलाउड थी, अब कितना इसको बढ़ा के अब 74% कर दिया, तो अब FDI को बढ़ा रहे हो तो आपको इंश्योरेंस एक्ट 1936 को अमेंड करने की जरूरत है। इसके अलावा क्या होगा, इससे अगर हम अमेंड कर देंगे तो फॉरेन पार्टनर्स क्या उनको वो जो करंटली जो ज्वाइंट वेंचर्स में वो अपना शेयर बढ़ा सकते हैं और इंडिया में जो इंश्योरेंस फर्म्स है उन पर अपना कंट्रोल बढ़ा सकते हैं लेकिन विद कुछ सेफगार्ड ऑफकोर्स। ठीक है, सेफगार्ड क्या होंगे ये हमने उस दिन पढ़ा था कि जो मेजोरिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो मेनली क्या होंगे या फिर जो मैनेज करेंगे वो मेनली इंडिया के रेजिडेंट होंगे। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट का जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है वो रिटेन्ड होगा एज अ जनरल रिजर्व और उसको हम यूटिलाइज करेंगे सो दैट अगर कोई अननोन लायबिलिटी अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए ठीक है तो उसको अगर वो पूरा कर सके। फाइन, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं हम अपनी, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखो भाई जी हमने सब पढ़े हुए MMDR एक्ट्स वगैरह, अभी इनको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, ये जो माई न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी अंडर GST। देखो अभी क्या है, MMDR एक्ट को अगर अमेंड करेंगे तो वो 1957 का जो एक्ट है उसको अमेंड करेगा सो दैट हम क्या कर सकें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या कर सके, अच्छा कर सके। अमेंडमेंट्स क्या है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैप्टिव और मर्चेंट माइनिंग है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको रिमूव कर देंगे। देखो गाइस
ये मैंने आपसे काफी बार डिस्कस किया हुआ है, कैप्टिव माइनिंग का मतलब क्या होता है, लाइक किसी इंडस्ट्री को हम अलाउड करें कि आप माइनिंग करो, लेकिन आप सिर्फ उसको खुद ही यूज कर सकते हो, आप उसको फर्दर सेल परचेस नहीं कर सकते। कमर्शियल माइनिंग में क्या होता है, मर्चेंट माइनिंग में, कि आप माइनिंग कर सकते हो और उसको सेल परचेस के लिए भी यूज कर सकते हो, फाइन। तो ये जो डिफरेंस है ना कैप्टिव माइनिंग और कमर्शियल माइनिंग में जो डिफरेंस है, उसको हम इस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर देंगे। कैप्टिव माइनिंग में जो होता है उनको अलाउड होता है कि वो अपने 50% मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट ईयर, फाइन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड क्लैरिटी इन इलीगल माइनिंग, मतलब कि हम एक लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो मिनरल्स को, इसके अलावा हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो, और अगर इलीगल माइनिंग है उस पर जो क्लियर कट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा सो दैट वो इफेक्टिव वे में इन सबको मॉनिटर कर सके। इसके अलावा हम क्या करेंगे, रीअलोकेट करेंगे नॉन प्रोडक्शन ब्लॉक को, स्पेशली पीएसयूज को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो कुछ चार्ज को छोड़ेगी, लिवाई करेगी, माफ करेगी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ माइनिंग लीजेस टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन दिस सेक्टर, फाइन। अगर कोई अपने माइनिंग लीज को एक्सटेंड कर रहा है तो उनपे जो कुछ चार्जेस है उसको लिवाई करेगी सो दैट हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखें। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन गाइडलाइंस है उनको अमेंड करेगी सो दैट हम ओम अच्छे आउटकम लेके आ सके, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो फंड है वो MMDR एक्ट के अंदर सेटअप है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने इसलिए सेटअप किया हुआ है ताकि जिस एरियाज में माइनिंग होता है वहां के जो पर्सन क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं इन ऑपरेशन से, हम उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है इसको हमने सेटअप किया हुआ किसके अंडर, MMDR एक्ट के अंडर, सो दैट वी कैन वर्क फॉर इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्सन जो उन एरियाज में रह रहे हैं विच आर द एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन। इसके अलावा हम सेंटर को अलाउ करेंगे कि वो कुछ नॉन कोल माइनर्स के ऑप्शंस कर सके सो दैट जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की वजह से जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रह चुके हैं वो स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन अटेम्प्ट को सक्सेसफुल कर सके। जरा इंडिया का मिनरल सेक्टर की क्या स्टेटस है हम देख लेते हैं। इंडिया अगर देखते हो मिनरल्स का इंपोर्ट होने अबाउट 2.5 लाख करोड़ का करता है और हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 1.25 लाख करोड़ रुपीज की है। इसके अलावा हमारे पास 10% ही हमारे इंडिया का जो एरिया है जिसे हमने एक्सप्लोर किया गया है और माइनिंग हमारे सिर्फ 1.5% ज्योग्राफिकल पोटेंशियल एरिया में होते हैं, मतलब कि 15% एरिया को हमने एक्सप्लोर किया हुआ है और उसमें से भी ओनली 1.5% ही एरिया जहां से हम माइनिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत माइनिंग लीजेस ऐसी हैं जिसमें कुछ अभी लीगल केसेस बढ़ रहे हैं और उसको ना ही हम ग्रांट करते हैं बिकॉज टाइम की वजह से इट डन इज ओवर, ना ही हम उनको ऑक्शन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लीगल इंपैक्ट, ठीक है। कुछ लैंड ऐसे हैं जिन पर भी केसेस चल रहे हैं जिसकी वजह से क्या है उन लाइन्स में ना ही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और ना ही हम कुछ उसको लाइक ऑक्शन कर सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अबिस्मल कन्विक्शन रेट इन केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखो अगेन ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी आइदर इन GS1 और GS2। देखो अभी क्या जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स उन्होंने कंसर्न शो किया है कि जो कन्विक्शन रेट जो अभी डाटा कुछ प्रोवाइड किया गया है बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 24.6% 2017 में था और 23.7% है 2019 में। देखो जो केसेस हैं क्राइम के अगेंस्ट वुमेन वो ना ही तो रजिस्टर्ड होते हैं और ना ही टाइम पे रिपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से या तो जस्टिस में डिले होता है या फिर आपको जस्टिस मिलता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या पढ़ा कि होम अफेयर्स पे जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने कंसर्न शो किया है क्योंकि अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उन्होंने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है कि कितना ज्यादा जो वुमेन्स हैं वो क्राइम से गुजर रही हैं। रिकमेंडेशन क्या दिया कमेटी ने, देखो उन्होंने बोला कि हर एक स्टेटस को एक एनालिटिकल टूल यूज करना चाहिए जैसे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्टोरल फोर्सेस सो दैट हम क्या कर सके 2 महीने में क्या कर सके इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सके ट्रैक कर सके एज पर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसके अलावा उन्होंने बोला कि इस एक्ट के अंदर हमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी भी देना चाहिए अगर कोई 12 साल से कम बच्ची का रेप करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंश्योर करा है कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में क्या डिले क्यों हो रहा है उस पर भी इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन में इतना डिले हो रहा है तो वो क्यों ले रहा है, सो वी हैव टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन इनटू क्रिमिनल केसेस एवरी। इस इन्फॉर्मेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया है नेसेसरी SOPs या एडवाइजरी किस किस को स्टेट्स को यूनिट्स को कि आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट आप मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है डिले हो रहा है वो ना हो। इसके अलावा आपको क्या करना है ऑपरेशन डिको ये एक राजस्थान पुलिस के द्वारा स्टेप लिया गया है वो क्या करते हैं कुछ डिको ऑपरेशन कंडक्ट करती है सो दैट ये चेक करते हैं कि जो FIR जो रजिस्टर्ड हुई है पुलिस स्टेशन पे या नहीं, फाइन। मेरी बात समझ में आ गई। देखो राजस्थान पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन डिको स्टार्ट हो रखा है जिसमें वो चेक करती हैं
ऑपरेशन चलाते हैं कि ये देखते हैं कि क्या पुलिस स्टेशन पे FIR रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर, वन स्टॉप सेंटर स्कीम वुमेन्स के लिए हमने पढ़ा था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट, तो ये सब इसलिए लिए गए हैं ताकि हम जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है उनको हम क्या कर सकें, मतलब कि उनको जस्टिस दिलवा सकें। नेक्स्ट न्यूज है, आर्म्स इंपोर्ट बाय इंडिया फॉल्स, रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये जो हमारी न्यूज है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। फाइन, सिंपल बात यह कि जो इंडिया के द्वारा जो डिफेंस के या फिर जो आर्म्स जो गन्स वगैरह इंपोर्ट की जाती हैं उनका जो नंबर है वो कम हुआ है, ये रिपोर्ट सिप्री ने आपको प्रोवाइड किया। अभी तो सिप्री की रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि जो इंडिया जो इंपोर्ट करता है आर्म्स को, वो इन अबाउट 33% डिक्रीज हुआ है बिटवीन 2011 टू 15 एंड 2016 टू, मतलब कि ये जो 5 सालों में नियर अबाउट जो आर्म्स का इंपोर्ट है वो 33% डिक्रीज हुआ। इंडिया जो टॉप 3 आर्म सप्लायर्स में है ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स, मतलब कि हमने इम्पोर्ट्स तो कम किए गए हैं, इसके अलावा हमने सप्लाई ज़्यादा की है। और पहली दो कंट्रीज कौन है, रशिया जिन्होंने इम्पोर्ट 49% इंडिया को इम्पोर्ट करती थी, फ्रांस 18% करती थी, इज़राइल 13%, ठीक है, सॉरी मतलब कि इंडिया को मतलब कि सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है वो सप्लाई कौन करता था, रशिया करती थी नियर 49%, फ्रांस करती थी 18% और इज़राइल करती थी 13%। रशिया मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर है क्योंकि जो इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं वो यूएसए आर्म्स और सफल, मतलब कि इंडिया जो तो यूएसए से इम्पोर्ट करता था वो भी गिरे हैं, ठीक है, तो रशिया भी बहुत अफेक्टेड सप्लायर है। इसके अलावा 2016 से 20 में 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन कौन से, एक तो यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, जबकि जो टॉप इम्पोर्टर्स हैं वो कौन है, सऊदी अरब, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। अभी इंडिया के आर्म्स में इम्पोर्ट फॉल क्यों है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया हुआ है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2025 तक 1.7 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है, सो इसलिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा हमने 101 आइटम की नेगेटिव लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने इम्पोर्ट में बिल्कुल बैन किया हुआ है। थर्ड है, हमने कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट को मतलब कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, डोमेस्टिक में और फॉरेन में, मतलब कि इसमें मैंडेटरी बता दिया है कि आपको अगर फॉरेन से इतना परसेंट परचेज करो लेकिन आपको डोमेस्टिक भी इतना परसेंट परचेज करना ही पड़ेगा, सो दैट हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकें। इसके अलावा एक फंड ऑफ फंड स्कीम लेके आए हैं जिसका 10,000 करोड़ की, सो दैट हम स्टार्टअप्स और MSMEs को प्रमोट कर सके डिफेंस सेक्टर में और एरोस्पेस सेक्टर में। इसके अलावा तो ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में उन्होंने क्या किया, इंडिजिनियस कॉन्टेंट रेशियो को बढ़ाया। देखो गाइस ये हमने पढ़ा हुआ है, इंडिजिनियस कॉन्टेंट रेशियो का मतलब क्या है, जो हम इंडिया में अपना जो बना रहे हैं डिफेंस रिलेटेड तो उसमें इंडिया का कंटेंट का जो है उसको बढ़ाना है। फाइन, जैसे न्यू बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया की कैटेगरी है वो क्या करती है, फॉरेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को एनकरेज करती है कि वो आप इंडिया में सेटअप करो। फिर इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट को भी एस्टेब्लिश किया हुआ, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, CDS पोस्ट को हमने क्या किया हुआ, एस्टेब्लिश किया, जो क्या कर रहा है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में यूनिफॉर्म। CDS क्या करता है, मेनली जो हमारी 3 वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबको हेड करता है, तो ये एक तरह का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में यूनिफॉर्म आ रहा है, मतलब कि डिफेंस सेक्टर में अगर कोई भी परचेज कर रहा है तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज, US बिकम्स इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। फाइन, अभी क्या USA ने क्या करा, सऊदी अरब को ओवरटेक कर लिया क्योंकि इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया लास्ट में। फाइन, तो मतलब कि सबसे ज्यादा जो अब USA से जो ऑयल सप्लाई हो रहा है वो इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है और सऊदी अरब को USA ने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। दिस हैपन क्योंकि अभी क्या है, रिफाइनर्स क्या कर रहे हैं, वो US मतलब कि क्या कर रहे हैं, USA के क्रूड परचेज को ज्यादा करें, USA का जो ऑयल है उसको ज्यादा परचेज करें, सो दैट जो OPEC प्लस सप्लाई कर सकें। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट काउंसिल है, वो क्या कर रही है, अपनी सप्लाई को कहीं ना कहीं कट कर रही है। हमने देखा था किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी क्या किया, इस चीज का फायदा उठाया USA ने और USA क्या कर रहा है, अब सप्लाई कर रहा है ऑयल। तो टॉप 5 ऑयल सप्लायर जो इंडिया को ऑयल सप्लाई करते हैं वो इराक है सबसे ज्यादा, फिर USA, फिर नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, फिर UAE है, और इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर है एंड कंज्यूमर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई इतना ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है यार। नेक्स्ट है कुंभ मेला हरिद्वार 2021। कुंभ मेला हर 12 सालों में सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जगह सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में मेनली, एक तो इलाहाबाद में किया जाता है जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम होता है, हरिद्वार में किया जाता है गंगा, नासिक में वहाँ गोदावरी नदी, और एक उज्जैन में किया जाता है जहाँ पे शिप्रा नदी है। ये तो डेट्स हैं पिलग्रिमेज की, वो डिटरमाइन करती है कौन करती है, विक्रम संवत कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम कुंभ कितने से कितना तब चलेगा, ये इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करता है। इसको हमारी यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी कुंभ मेला ऐड है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, इनटेंगिबल मतलब कि जो चीज मतलब कि स्थित नहीं है,
लाइक टेंगिबल में जैसे मोन्यूमेंट्स हैं ये सब आपको दिखते हैं. कुंभ मेला एक कल्चर है, फाइन. जैसे कोई रामलीला है ये सब एक एक्टिविटीज है, फाइन. सो ये इनटेंगिबल कल्चर हेरिटेज है, फाइन. राखीगढ़ी आपको पता ही होगा एक हड़प्पन साइट थी, ठीक है. दिस साइट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, फाइन. अभी इसको डेवलप किया हुआ इज वन ऑफ द फाइव आइडेंटिफाइड आइकोनिक आर्कोलॉजिकल साइट इंक्लूडिंग हस्तिनापुर, सीवा सागर, ढोलावीरा और आदिचूला. जो एंशियंट साइट है राखी खास और राखी शाहपुरा की, उनको कलेक्टिवली हम राखीगढ़ी बोलते थे. ये कहाँ पे सिचुएटेड है? राइट बैंक ऑफ द ड्राइड ऑफ पेलियो चैनल ऑफ द दृष्टवादी. ये मैंने आपको बता दिया. सेवन माउंट्स यहाँ पे लोकेटेड है. ये बता दी किस तरह से इंडस कल्चर किस तरह से सिक्वेंशियल डेवलप हुआ और अब सरस्वती बेसिन पे आ जाते हैं वो सूख गया. कथकली, कथकली मिस्टर जो चीमनचेरी कुनियम नायर है वो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है. कथकली क्या आपको पता है? एट क्लासिकल डांस में से एक है. केरला स्टेट से बिलोंग करता है. इट इज अ ब्लेंड ऑफ डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. जो वर्ड कथकली है इसका मीनिंग क्या, स्टोरी प्ले. इट इज नोन फॉर इट्स लार्ज इलेबोरेट मेकअप होता है, लार्ज एंड हैवी कॉस्ट्यूम्स उसको पाए जाते हैं. इट इज वेरी रिलीजियस इन नेचर, यूजली मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं वो भी मैन के द्वारा ही पोर्ट्रे किया जाता है, वो वुमेन कॉस्ट्यूम में ड्रेस होती है, ठीक है. एक्टर्स रियलाइज करते हैं हैवलिन हैंड गेस्टर जिसको मुद्रा को बोलते हैं टू कन्वे द स्टोर. लास्ट बताए कि कुछ प्लेसेस से जो न्यूज में थे जरा पढ़ लेते हैं. एक तो है शेत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ये एशियाटिक लॉयंस का हैबिटेट है, लेपर्ड्स का भी, साथ में कुछ हर्बीवर्स एनिमल्स हैं जैसे ब्लूबर्स. और कहाँ पे? ये भावनगर गुजरात में. ये फॉरेस्ट है इज अ पैच ऑफ हिली ड्राई एंड डिसीडियस फॉरेस्ट, और जो शेत्रुंजय रिवर है वो इस एरिया में फ्लो करती है. जो शत्रुंजय मात्र पर्यटन टेम्पल्स है वो इस हिल्स में लोकेटेड है, और ये वहाँ का बहुत ज्यादा सीक्रेट मतलब कि इसको माना जाता है, पूजा जाता है, पिलग्रिमेज प्लेस है बाय द जैन कम्युनिटी. इसके अलावा फोर्ट अंजुन है अभी एस मिशन ऑफ मिशन सागर फोर्ट, जो हमारी इंडियन नेवरशिप जलश्वा है वो फोर्ट अंजनी पे अराइव हुआ है, ठीक है. ये कोमोरोस का एक पोर्ट है. लोकेशन इसकी मोजाम्बिक चैनल है. और जो ये जो मुस्त समाधु है सेकंड लार्जेस्ट सिटी किसकी? कोमोरोस की, ठीक है. तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा.